हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बहुत अच्छी धूप हो गई है सुबह सुबह, और मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जाना है इतना सुबह सुबह, तो कोई आया है जिसके साथ मुझे कहीं जाना है। मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ कि आप लोग हमारे फैमिली है, तो फैमिली से क्या सस्पेंस रखना। मुझे जाना है दर्शन करने, तो जौनपुर में भी एक मैहर देवी का मंदिर है। जी हाँ, मैहर देवी का मंदिर जौनपुर में भी है, और एक चौकिया माता, यहाँ के जो लोग हैं वो जानते होंगे चौकिया माता, शीतला माता हैं, तो वहां पे भी हमको जाना है। और हम किसके साथ जा रहे हैं अभी सरप्राइज है, बाद में बताते हैं, ठीक है? रास्ते में दिखाते हैं कि किसके साथ हम जा रहे हैं। निकल गए हैं शीतला माता चौकिया धाम के लिए दर्शन करने के लिए। और बीच में ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये गोमती नदी है। जी हाँ, वही गोमती नदी जो लखनऊ में है, वही है गोमती माता। तो जो यहाँ के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, बट जो नहीं है उनको मैं बता रही हूँ कि ये गोमती नदी के पुल पे हम लोग हैं। और इस पुल के बाद थोड़ा मार्केट है, उसके बाद चौकिया माता का मंदिर है। और हम लोग अब मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी कॉलेज वगैरह हैं, इसलिए मुझे डर लगा था कहीं भीड़ ना हो, क्योंकि उस दिन सीटेट का पेपर भी था, बट सब लोग पेपर देने के लिए अंदर चले गए थे, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा उस टाइम भीड़ नहीं था। और हम लोग अब पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में। यहाँ पे आप लोग शॉप वगैरह देख ही रहे हैं, चुंदरी वगैरह, प्रसाद वगैरह सब बिक रहा है। और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे शॉप से ले लीजिए, हमारे शॉप से ले लीजिए। बट हम लोग बचपन से ही एक दुकान से लेते हैं, वहाँ के पुजारी हैं एक, तो हम लोग बचपन से ही वहीं से लेते हैं। वो मंदिर के जस्ट बगल में ही हैं, तो वहीं से हम लोग लेते हैं। तो देखिए, यही है वो शॉप जहाँ से हम लोग लेते हैं, ये मंदिर के जस्ट बगल में ही है। पहले इनकी सासू माँ चलाती थी ये दुकान, बट अब उनका डेथ हो गया तो वो उनकी बहू चला रही हैं। और ये सामने आप लोग गेट देख रहे हैं, यहीं से एंट्री करना है अंदर माता रानी के दर्शन के लिए। आप लोग को अब और सस्पेंस में नहीं रखती मैं बता दे रही हूँ मैं किसके साथ आई हूँ दर्शन करने। ये देखिए जी हाँ, ये किट्टू के पापा हैं। आज हम लोग आए हैं दर्शन करने, यहाँ चौकिया देवी हैं, हम लोग सुबह सुबह आ गए दर्शन करने। अब तो बस हम लोग अब मंदिर परिसर के अंदर चले गए हैं, और अब देखिए मैं माता रानी का दर्शन आप लोग के कराने जा रही हूँ। यहाँ पे अलाउड नहीं था, बट मैंने पुजारी जी से बात किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा सा क्लिप ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा रिकॉर्ड। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए कोशिश किया कि मैं दर्शन करी रही हूँ, कम से कम आप लोग भी दर्शन कर लें, और माता रानी जो भी मांग लें। देखिए मुंडन वगैरह होता है बच्चों का, इसको तालाब नुमा बनाया गया है, और देव दीपावली के दिन इसकी शोभा देखते ही बनती है, काफ़ी सजाया जाता है, यहीं पर मुंडन होता है। तो हम लोगों ने अब माता का दर्शन कर लिया है, अब हम मैहर देवी के मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा पिक वगैरह यहाँ की जाने लगे, क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो बस अब हम लोग जाएंगे अगले मंदिर में, वो हमारे रूम के 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो ये थोड़ा दूर पड़ रहा था शीतला माता का मंदिर, लेकिन वो नज़दीक में है। तो हम लोग दूसरे मंदिर जाएँगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए मैहर देवी मंदिर में, ये है उनका गेट मेन, इसी गेट से एंट्री करना है अंदर। तो हम लोग अभी फूल माला ले रहे हैं, फूल माला ले के दर्शन करेंगे। ये फ्लैग है उनका, माता रानी का। यहाँ पे देखिए फूल वूल हम लोग ले रहे हैं, किट्टू के पापा हैं देख रहे हैं अपना। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर लिए हैं, और यहाँ पे शॉप वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं, इसके बगल में लाइन से ही दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से भी अगर आप कुछ लेना चाहें, चुंदरी वगैरह जो अगर बाहर से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सब चीज़ मिल जाएगा, और कॉस्मेटिक का सामान ये सब भी यहाँ पे बिकता है। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में एक धर्मशाला नुमा बना दिया गया है, जहाँ पर शादी वगैरह एंगेजमेंट वगैरह होता है, और इस धर्मशाला का नाम भी रख दिया गया है शारदा निकेतन। तो यहाँ पर आप एंगेजमेंट वगैरह, शादी वगैरह यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, डिटेल और एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो आपको आना हो तो आ जाइएगा यहाँ पे, अगर ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा तो। और यहाँ पे देखिए शंकर जी का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने। आप लोग देख ही सकते हैं, एक भी कोई भी पर्सन यहाँ नहीं दिख रहा है, काफ़ी खाली मंदिर था। और हम लोग मे बी सुबह चले गए थे इसलिए, या फिर पता नहीं क्या वजह था, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है गाइस, कि मतलब बिल्कुल भी सांस नहीं रहता जाने के लिए, 1-2 घंटे लग जाते हैं हम लोग को लाइन में ही। बट आज कुछ भी नहीं था, तो नॉर्मल सा दिन था, तो काफ़ी फ्री था, इसलिए हम लोग बहुत ही जल्दी दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे घंटी वगैरह सब जो भी है सब निकाल दिया गया है कोविड के वजह से,
तो बस सिर्फ हमें नॉर्मल सा पूजा जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर, माता रानी ऊपर हैं। और यहाँ पे देखिए हवन वगैरह होता है जब नवरात्र वगैरह चलता है उस टाइम। और बहुत ही मुश्किल से मैंने माता रानी का रिकॉर्डिंग किया था क्योंकि ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे, बट मैं सोची कि मैं दर्शन अगर कर रही हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर क्यों ना दर्शन करें। आप लोग भी पुण्य कमा लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है आप माता रानी से मांग लीजिए, विश्वास करिए वो ज़रूर पूरा करेंगी, मेरा तो इनमें अटूट आस्था है। और यहाँ पे देखिए राधे श्याम जी हैं, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो ये देख लीजिए उनका नाम लिखा हुआ है। इसके पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है, अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में कि कैसे ये निर्माण हुआ था, तो अभी आगे आप लोग और चीज़ देख लीजिए तब मैं बताती हूँ। और यहाँ पे देखिए और मूर्तियाँ हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, हर प्रकार के देवी देवता आपको यहाँ मिल जाएंगे और आप लोग दर्शन भी कर लेंगे, आपको बाहर कहीं किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर आ गए आप तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंदिर के निर्माण का पिक लगाया गया है कुछ, यहाँ पे जैसे मंदिर शुरू में जैसा था वैसा, और उसके बाद अब जैसा है वो पूरा शुरू से लेकर अंत तक का लगाया गया है। पहले मंदिर हमारी ज़मीन पे थी, माता रानी ज़मीन पे स्थापित थी, उसके बाद माता रानी ने राधे श्याम गुप्त जी को सपने में कहा कि मैं वहाँ पहाड़ों पर हूँ, आप यहाँ मुझे नीचे स्थापित क्यों किए हैं। तब राधे श्याम जी ने इनको ऊँचाई पर किया और फिर सीढ़ी वगैरह करके अच्छे से ऊंचाई पे मंदिर बनवाया है। अब जाके मंदिर एक अच्छा सा रूप ले लिया है, काफ़ी भव्य मंदिर बना है ये, यहाँ तक कि इसमें हर तरह के प्रोग्राम भी हो जाते हैं, तो काफ़ी जगह है इस मंदिर में। तो पहले कैसा था अब कैसा था यही सब इसमें दर्शाया गया है। तो इसके पीछे की कहानी मैं अभी आपको बताती हूँ, आप दर्शन करते रहिए और सुनते रहिए। राधे श्याम जी की आँखों की रोशनी चली गई थी, वो बहुत ही डॉक्टरों को दिखाए बट कहीं भी उनकी आँख ठीक नहीं हो पाई, ऑपरेशन भी हुआ फिर भी नहीं ठीक हो पाई, वो हिम्मत हार गए थे। फिर उन्होंने उनको माता रानी ने एक रात स्वप्न दिया कि आप परेशान ना हो, बस जाइए और हमारा दर्शन करिए सतना में जहाँ मैं बसी हुई हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो वो वहाँ गए, माता रानी पे अटूट विश्वास उनका था ही, उन्होंने दर्शन किया और अच्छे से मन्नत की, उसके बाद आते ही उनको आँखों की रोशनी उनकी वापस आ गई। तब उन्होंने उसी समय ठान लिया फिर बनवाऊँगा। और ये देखिए यहीं पे उनको स्वप्न आया था, यहाँ पे सब दर्शाया गया है, ये खाट वगैरह वही है, बस बिस्तर जो भी बेडशीट है वो चेंज कर दिया जाता है, यही है राधे श्याम जी और उनकी पत्नी, और यहीं पे उनको स्वप्न आया था। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, मैंने भी सुनी है बात इसको, मैं तो उस टाइम थी नहीं, बहुत छोटी थी, बट मैंने भी सुना हुआ है कि ऐसे ही इसका निर्माण हुआ था मंदिर का। और यहाँ पे देखिए काफ़ी मूर्तियाँ हैं, ये भैरव बाबा थे और फिर ये काली माता हैं, और यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर है, हर देवी देवता यहाँ पे हैं। हाँ तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं मंदिर से, दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, आप लोगों ने भी दर्शन किया ना, ऐसा होता नहीं था कि मंदिर के अंदर अलाउड तो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन पुजारी वगैरह से मैंने बात किया तो वो कहे ठीक है थोड़ा सा ले लीजिए व्यू, तो मैंने ले लिया, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लें घर बैठे। और ये मेरे हस्बैंड यही आए थे, इन्हीं को यही आए थे, मेरा कुछ सामान रह गया था प्रयागराज में तो वही देने आए थे, मुझे शादी में जाना है तो वही देने आए थे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दर्शन करा ही दें, हम लोग साथ में गए थे दर्शन करने। और ये हैं किट्टू, किट्टू की नानी किट्टू का तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो और नानी को मेरे ठीक कर दे क्योंकि क्योंकि वो मेरी गोदी लेके चले। अरे बाप रे, हाँ मतलब नानी के इनके पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, गठिया वटिया का प्रॉब्लम है, तो वही कह रही है कि मेरी नानी को ठीक कर देंगी, मैं इसको नहीं ले गई थी किट्टू को, किट्टू अपने नानी के पास ही थी और हम लोग को बिल्कुल। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, माँ का दर्शन करके आपको थोड़ी सी भी खुशी,